हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 11 स्टैंडर्ड के राउंड 3 के शेड्यूल के बारे में। जिसे जानने के लिए आपको सबसे पहले आना है 11thadmission.org.in पर। यहां पर आने के बाद आपको अपने रीजन को सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो। जैसे आप करोगे, यहाँ पर पहला नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दिया है शेड्यूल फॉर 11th एडमिशन प्रोसेस रेगुलर राउंड 3। इस शेड्यूल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस सीट 11th एडमिशन के लिए दिया है। यहाँ पर क्या कहा गया कि 6 बजे, ठीक है, यहाँ पर 6 बजे ये सर्कुलर आपको अपलोड कर दिया गया था वेबसाइट पर। 6 सितंबर के दिन रात 10 बजे तक डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी ऑन दी पोर्टल, यानी पोर्टल पर कितनी वैकेंसीज है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके बारे में पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप लोगों को ये चीज़ें कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट पे वैकेंसी दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर वैकेंसी राउंड 2, कुछ देर में राउंड 3 भी यहाँ पर शोकेस करना शुरू हो जाएगा 10 बजे के बाद। यहाँ पर आप देखोगे शेड्यूल 3 में क्या क्या दिया है, तो 6 तारीख को आपको रात को 10 बजे आपको शेड्यूल दिख जाएगा कहाँ पे क्या कितने सीट्स अवेलेबल है। दूसरा, 7 तारीख और से लेके 9 तारीख तक, यानी 7, 8, 9, 7 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 9 तारीख को शाम 8 बजे तक, ठीक है। आप चाहो तो पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हो। अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का फॉर्म नहीं भरा, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी को पार्ट 2 के फॉर्म में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन करना है, अल्टरेशन करना है, प्रेफरेंसेस चेंज करना है, कोई कॉलेज को डालना है, कोई कॉलेज को निकालना है, किसी भी तरीके का आप चेंजेस करना चाहते हो, यू कैन डू। अगर आप पार्ट 1 के फॉर्म में चेंजेस करना चाहते हो तो आपको कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें रिजर्वेशन रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पर आप मॉडिफिकेशन करोगे तो आपका फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए आपके गाइडेंस सेंटर या स्कूल सेकेंडरी के पास चला जाएगा, और जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा यू कैन नॉट फिल द पार्ट 2 फॉर्म। सिंपल सी बात है। आप लोगों से गुजारिश है कि फॉर्म में किसी भी तरीके का चेंजेस करने के बाद आप लोग उस फॉर्म को लॉक जरूर कीजिए। अगर आप उस फॉर्म को लॉक नहीं करते हो तो यू विल नॉट गोइंग टू एलिजिबल फॉर राउंड 3। फिर 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक, यानी 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख, ये 3 दिन रिजर्व रखा गया है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए कैप कमिटी के द्वारा। उसके बाद 13 सितंबर को जूनियर कॉलेजेस अपने अपने पोर्टल पर, अपने वेबसाइट पर या ऑफलाइन मोड पे किसी भी तरीके से नाम डिस्प्ले करेंगे किन बच्चों को उन्होंने एडमिशन देने का नक्की किया। लिस्ट लगेगी, आप 11thadmission.org.in पर लॉगिन करके भी पता कर सकते हो या आपको SMS आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका नाम डिस्प्ले होता है आप एडमिशन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पोर्टल पर आना है और प्रोसीड फॉर एडमिशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहां पर 10th की LC और 10th का मार्कशीट अपलोड करना है एंड यू कैन प्रोसीड फॉर द एडमिशन। अगर आपको नहीं करना है, If you are not want to do the particular step, तब आप special round के लिए eligible हो जाओगे, कोई issue नहीं, आप नहीं कुछ भी छेड़खानी मत करो। लेकिन अगर आपने first preference का college को ignore किया है तो आने वाले time में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है round से related, अगर 4th round होता है, otherwise you will be eligible for special round, ठीक है। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख को शाम 6 बजे तक आप all एडमिशन ले सकते हो, पेमेंट ऑफ फीस करके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज लेवल तक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्लियरली बोला कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज आया तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गोइंग टू टेक पार्टिसिपेशन अपकमिंग राउंड एक्सेप्ट स्पेशल राउंड। उसके बाद 15 तारीख को जूनियर कॉलेजेस को पोर्टल पर अपनी स्टेटस अपलोड करनी है कि कितने बच्चों के एडमिशन्स उन्होंने लिए, कितने बच्चों के नहीं लिए। उसके बाद 16 तारीख को टाइम टू सरेंडर माइनॉरिटी कोटा वैकेंसी टू कैप, यानी कुछ कॉलेज में माइनॉरिटी कोटा की कुछ सीट्स बच गई होगी तो उसको वो कन्वर्जन कर दिया जाएगा एंड 16 तारीख को वापस से डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद आगे के वाले टाइम में आने वाले राउंड्स की भी डिस्प्ले वहां पर देखी जाएगी, राउंड को देखा जाएगा। यहाँ पर आपको शेड्यूल
आगे कोटा सीट्स के लिए भी दी गई है, शेड्यूल्स ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर जो भी रहेगा जूनियर कॉलेजेस के लेवल पर होगा, आपको कॉलेजेस पे जाना होगा। आप मैनेजमेंट कोटा, माइनॉरिटी कोटा के अंडर एडमिशन चाहते हो तो आपको उस लेवल पर जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड कॉलेज के लेवल से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये शेड्यूल आपको किस तरीके से देखना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एग्जाम आपको ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्रूशियल होने वाला है, तो फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरीके का गलतियां ना करें। साथ ही साथ अगर कोई मॉडिफिकेशन अल्टरेशन करते हो तो फॉर्म को जरूर लॉक कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको 11th एडमिशन से रिलेटेड जो भी राउंड 3 के शेड्यूल है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत आती कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।